कोई मुनासिब बात तो नहीं थी ना, मैं प्यार से लेने के लिए आया था, तो मैं चले जाना चाहिए था। फिर ईद है, मुस्तजाब का इतना हक तो बनता है तुम पे बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचाद। देखो दुआ बेटा, अगर कोई ऐसी बात वो लोग कह भी रहे हैं जो पहले तय नहीं हुई थी, तब भी तुम्हें उनकी ख्वाहिश को मुकदम रखना चाहिए। बेटा लड़कियों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, सेक्रिफाइस करना पड़ता है घर बसाने के लिए, तभी घर बसते हैं। फिर बेटा जिस तरह वो रस्मी से अंदाज में खुदा हाफिज कह के गए ना, मुझे लगता है वो नाराज हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो दुआ बेटा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे हवाले से कोई भी ऐसी बात इस घर की दहलीज के बाहर निकले बेटा, जिससे हमारा तमाशा बने। देखो दुआ, ये रिश्ता बेटा बड़े अरमानों से जोड़ा है हमने, तुमने इस रिश्ते को निभाना है। क्यों ऐसे छोटी मोटी बातों को हवा ना दो। अम्मा प्लीज, हमें दुआ का सहारा बनना है, ना कि उसकी कमजोरी। हम सबको इत्मीनान से दुआ का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, वजह से कि हम दुनिया वालों के रिएक्शंस की परवाह करें। अगर दुआ हक पर है तो हम इसके साथ खड़े। तो बेटा कुछ पता भी तो चले ना आखिर, जब कुछ पता ही नहीं होगा तो हम फैसला कैसे करें। ये लो शकीला की कॉल आ रही है, यकीनन शिकवा करेंगी। जी सलाम अलैकुम शकीला, आप लोग तो ऐसे ही निकल गए कि क्या, कहां पे? अच्छा कोई खतरनाक बात तो नहीं है ना? एक्सीडेंट हो गया? अच्छा ठीक है, मैं और दाई आ रहे हैं।